नमस्कार। आज हम हैं हल्द्वानी के, जो कि नैनीताल जनपद में स्थित है। यहाँ पर एक हम ऐतिहासिक स्थल पर आए हैं, जिसे कि देवता भेड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इस मेरे पीछे है वो पत्थर, वो हार्ड रॉक, जिसमें कभी किसी व्यक्ति ने एक उसे कार्विंग करके, पत्थर को काट करके कुछ एक आकृति देने की कोशिश की है। हालांकि वह आकृति अभी बहुत ज़्यादा नहीं बनी हुई है, लेकिन उस कलाकार का, उस वास्तुकार का प्रयास जो है हमें दिखाई देता है। यह जो स्थल है वो हल्द्वानी के काडूदाम में रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और आपके यहाँ पर एक स्थापित विद्यालय है, निर्मला कॉन्वेंट, उससे लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर जंगल की तरफ को आकर है। कुछ चढ़ाइयाँ हल्की सी पार करने के बाद आप इस स्थान पर पहुँच सकते हैं। आइए हम जानते हैं इस मंदिर के बारे में, इसके वास्तु के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है वो देवता भेड़ा जिसपे ये कार्विंग की गई है। शुरुआती कार्विंग का प्रयास किया गया है, पर इसे ज्यादा ना बनाते हुए वहीं पर छोड़ दिया गया। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह बहुत ही कठोर चट्टान है, जैसा कि कभी हमें भीमबेटका और लखू डीआर की चट्टानों में भी देखने को मिलता है। कलाकार के द्वारा यह प्रयास तो किया गया कि इसको कार्विंग की जाए और इसको कुछ आकृति दी जाए, परंतु शायद वह इस कार्य में असफल रहा और उसकी हिम्मत जवाब दे गई, और इस कारण जो है इस कार्य में उसको असफलता मिली और उसने आधे में ही छोड़ करके इसको जो है उसके आगे बढ़ गया और इस पर पूरा कार्य नहीं हो पाया। हाँ, एक बात जरूर है कि इस स्थान को लोगों ने धार्मिक स्थल घोषित कर दिया और यहाँ पर आप जो है पूजा पाठ और मंदिर का रूप देते हैं, और इसीलिए शायद इसको लोग देवता भेड़ा के नाम से जाना जाते हैं। देवता तो यानी ऐसा स्थान जहाँ पर देवताओं की पूजा की जाती है। भेड़ा पहाड़ में स्थानीय चट्टानों या जंगल के इलाके को कहते हैं, जहाँ पर थोड़ी ऊंची स्थान पर स्थापित हो उसे भेड़ा कहा जाता है, तो इसीलिए इसे देवता भेड़ा के नाम से ये लोग यहाँ के जानते हैं। पूजा पद्धति के कारण यह स्थान को इन्होंने तेल के द्वारा कुछ इस तरह से रूप दे दिया है। इस कार्विंग के दौरान वास्तुकार ने कुछ यहां से भी रास्ता बनाने की कोशिश की है, जो कि उस मेन होल से मिल सके, मेन गुफा से मिल सके। ये गुफा की आकृति पर कुछ इस तरह से यहाँ भी कार्विंग बगल में करने की कोशिश की, ताकि यहाँ से ये रास्ते को वहाँ से मिलाया जा सके। और इसके साथ ही साथ इस वर्तमान में स्थापित मूर्ति के बगल से भी यहाँ पर से इन्होंने कार्विंग करने की कोशिश की, ताकि कहीं ना कहीं से कोई भी ऐसा रास्ता मिल जाए। पर असफलता इसलिए मिली क्योंकि हार्ड रॉक्स बहुत ये कठोर रॉक है और यहाँ पर जो है इस पर सुराग करना बहुत कठिन था, इसलिए काम को यहाँ पर ही रोक दिया गया। इस बात का प्रमाण देने की कोशिश की जा रही है कि ये गुफा का क्षेत्र यहाँ से मिलता है और पानी यहाँ से, जैसे कि जल प्रवाहित अभी किया जा रहा है, मुख्य गुफा से पानी अंदर डालने की कोशिश, और उसके बाद ये पानी इधर से बाहर निकाला जा रहा है। यह वह स्थान जहाँ पर आज हम पहुँचे हैं, देवता भेड़ा, हल्द्वानी का वह क्षेत्र जहाँ पर यह हार्ड रॉक को एक्सकेवेट किया गया हमारी टीम के द्वारा।
जिसमें शुरुआती कार्विंग के बाद लगभग इस काम को रोक दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं यह इसकी ऐतिहासिकता को, इसकी पौराणिकता को दिखाता है। मुझे इस बात से बड़ी संतुष्टि मिलती है कि यहाँ पर वह सार्थक प्रयास किया गया, जैसा कि कभी अजंता और एलोरा की गुफाओं में किया गया हुआ। शायद उस वास्तुकार, उस कलाकार के दिमाग में यही चिन्ह रहे हों कि हम इसको इस तरह का रूप दें। रॉक थोड़ी छोटी है, लेकिन उसका जो अंदर का भाग है जहाँ पर कार्विंग की गई है, वह इसी तरह से नज़र आता है। यह स्थान हल्द्वानी की सुरम्य वादियों में स्थापित है। चारों ओर हरियाली बिखरी हुई है। हमारे साथ हैं हमारी टीम के सदस्य श्री एम एन गोस्वामी जी। आइए हम उनसे जानते हैं इसके बारे में। सर, आपने यहाँ पर क्या क्या महसूस किया और किस तरह से आप यहाँ पर पहुँचे? असल में मेरे एक मित्र हैं जो इस क्षेत्र में करीब 30 साल पहले निवास करते थे जी। और वो अपने स्कूल के दिनों में जो बच्चे हाइकिंग पे जाते हैं, उस प्रवृत्ति के कारण वो अपने दोस्तों के साथ कभी इधर घूमने आए और उनको यह चट्टान यहाँ पे दिखी। उस समय ये बड़े नेचुरल फॉर्म में, अपने प्राकृतिक रूप में हुआ करती थी, पर और उनको इसमें कुछ ऐतिहासिक चीज़ें नज़र आई कि ज़रूर ये किसी शिल्पी ने इस तरह से बनाया होगा, कि शिल्पी ने बनाया होगा, ऐसा सोचकर उन्होंने इस बारे में लोगों को भी बताया। गांव वाले जो और लोग थे तो वो इस ओर आकर्षित हुए और आना शुरू करा। बाद में इस रॉक ने यहाँ पे जो कार्विंग करी गई है, अंदर जो मूर्तियाँ उकेरी गई हैं, ये मूर्तियाँ भले ही किसी पर्टिकुलर देवता को ध्यान में रख के बनाई या उनसे मिलता जुलता इनका चेहरा ना हो या रूप ना हो, पर लोगों ने अपनी ओर से मान लिया इन्हें कि जैसे ये हमारे हिंदू देवी देवताओं की कोई चित्र हैं या मूर्तियां हैं, और उन्होंने आस्था के फलस्वरूप यहाँ पर पूजा पाठ शुरू कर दी। और यहाँ पर जो पूजा की सामग्री, तेल के दिए जलाना, उसकी वजह से जो इसकी मौलिकता है वो थोड़ा कम हो गई है। इस रॉक को पेंट कर दिया गया है, उसकी वजह से यह एक मंदिर के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया है, बनिस्पत इस बात के कि हमारी कोई ऐतिहासिक धरोहर है। धन्यवाद। नाम है बुद्धि वल्लभ दुमका। मैं ग्राम बीवा खाम टंगर का निवासी हूँ यहाँ पर जी। और यहाँ पर ये हमने ये इसको बना हुआ देखा, यहाँ से कब से पूर्व जब से हम आए तब से हमें करीब करीब 20-22 साल तक, 20-25 साल हो गए तब से यहाँ हमने हर पर्व में पूजा पाठ लोगों को करते हुए देखा जी। और 4-5 साल लगा है मैं भी यहाँ पर दिया बत्ती रोजना, अब क्या बन सकूँ, दिया बत्ती रोजना कर रहा हूँ, लेकिन लोगों ने कहा तुम पूजा पाठ करो, भंडारा किया, इसलिए उन्होंने कहा रोजना तुम यहाँ पर पूजा पाठ मतलब धूप बत्ती कर दिया करो। मैं भी पूजा पाठ यहाँ पर धूप बत्ती जो मेरे से हो सकता है उतना मैं कर जाता हूँ। अच्छा, इसका इतिहास क्या है थोड़ा बताएंगे? महाराज, इसके अंदर सर्प नाग निकलते हैं। अच्छा, तो विशेष यह है कि फलों वाले नाग निकलते हैं। दूसरा ये यहाँ पर जो है हम इसको एक शिव मंदिर के रूप से बड़ा सब यहाँ गांव वाले नहीं दूर से भी आते हैं। अच्छा अच्छा, इसकी ये जो ऊपर अंदर कार्विंग की गई है, अंदर मंदिर की मूर्तियाँ जैसी या गुफाएं बनाई है, इसको कब बनाया गया, उसका कोई बारे में? इसका साहब कोई हमें प्रमाण तो मिला नहीं, जिन्हें कब बनाया गया, कौन पूर्वज ने बनाया। अच्छा, हमें यहाँ पूजा पाठ करते हुए मिला ये। अच्छा, लेकिन हम ये नहीं कह सकते इसका कब बनाया गया, क्या बनाया गया, हम इसका इतिहास नहीं दे सकते हैं आगे। अच्छा, नहीं है तो हम क्या बताएंगे।